तो यहाँ से आप रनिंग करके ऐसे गोल घूमते हुए भी उतर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। आप ऐसा करने की ट्राई मत कीजिएगा। मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। आ जाइए। तो यार पब्लिक, ये है अपने जो आपको लेफ्ट साइड रास्ता जा रहा है वो है फ्लावर वैली। ये सर गाइस फूलों की घाटी। यहाँ पर आप टिकट लेके जा सकते हैं। यहाँ तरह तरह के फूल मिलेंगे आपको। पहले यही रास्ता हाईवे के लिए हुआ करता था, उसके बाद ये बड़ा हाईवे कर दिया। और गाइस जैसे कि अपन अगर आगे चलते हैं तो गाइस ये अभी नया ढाबा बना है, बहुत प्यारा है, बाहुबली ढाबा। काफ़ी एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट टेस्ट काफ़ी बेटर है। तो गाइस यहाँ पर भी विज़िट करें। गाड़ी की वजह से बाल बिगड़ चुके हैं। अब हेलमेट तो लगाया नहीं था भाई ने, क्योंकि ये थोड़ा आउटसाइड हो जाता है, तो आज हेलमेट नहीं लगाया हमने। गाइस अभी आपको मेरे बैक साइड में जो दिख रहा होगा टनल, गाइस ये तो इसके ऊपर अपन चलने वाले हैं। और रास्ता कहाँ से है, गाड़ी को कहाँ रखना है, तो गाइस मैं बता दूंगा। गौतम गाड़ी को अभी आगे लगाएगा। ले 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 ले, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, जाने दे ये। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आप अगर फोर व्हीलर लेके आते हैं तो आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं। और गाइस ये है अपने अंबेरी का रास्ता और ये है अपने टनल, जो अंबेरी के टनल जिसको अपन बोलते हैं। गाइस उदयपुर से अगर आप आते हैं तो सुखेर चौराहे, और सुखेर चौराहे से अंबेरी, और अंबेरी के बाद गाइस ये टनल आ जाती है। तो रास्ता हालांकि ब्लॉक कर रखा है गाइस, लेकिन अब जगह अगर आपको अच्छी जगह जाना है तो आप आ सकते हैं, नो डाउट। उदयपुर में काफ़ी लोगों को पता है इस रास्ते के बारे में, जिनको नहीं पता हम बता देते हैं। तो कुछ नहीं करना है गाइस, आपको उतरना है नीचे। तो आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सूखे नाले में कूदना पड़ेगा। आप इसमें उतर सकते हैं। ओके चलिए चलते हैं। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हाथ देता। अच्छा आ गया, टाइगर है मेरा भाई। तो गाइस ये रास्ता है, बना हुआ है, बट इसको ब्लॉक कर रखा है आगे से, आप देख सकते हैं। तो गाइस अपनों को इसी रास्ते से चलना है, तो यहाँ तक के लिए तो अपन इस रास्ते पे आ जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ कोई आता जाता नहीं है गाइस, इसलिए यहाँ थोड़ा कचरा और ये घासें वगैरह उग रही है। कुछ नहीं, अपनों को तो कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा एडवेंचर सा है, आप देख सकते हैं कि कैसा खाई जैसा हो रहा है। यार
पब्लिक, ये रही टनल। लगभग टनल की हाइट से ऊपर तो हम काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, अभी हम तो हालांकि और ऊपर जाना है। तो आप आइए, थोड़ा सा पानी पीने का साथ लगेगा क्योंकि रास्ते में आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा। ज़्यादा लगेज भी मत ले जाना क्योंकि हैवी वेट होने के कारण आप ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो गाइस ट्रेकिंग करने की काफ़ी अच्छी जगह है, ज़्यादा उदयपुर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो गाइस ये ट्रेकिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, रोड आप देख सकते हैं कि रोड की हाइट से कितना ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। गाइस एक बार रोड को दिखा दीजिए गौतम, गाइस आप देख सकते हैं कि रोड से हम कितने ज़्यादा हाइट में हैं और पहाड़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ से अपन और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो गाइस आ जाइए मेरे को। तो जैसा कि गाइस दिख रहा होगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ डोली पे और इसके जस्ट बाद यहाँ खाई है। तो गाइस बच्चे वगैरह को लेकर ना आए क्योंकि ट्रेकिंग की जगह, ट्रेकिंग करना इतना इजी नहीं होता गाइस, थोड़ा रिस्क रहता है, बट एट प्रेजेंट आपको आपके पॉइंट पे पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है और काफ़ी बेटर फील भी होता है। तो गाइस यहाँ आने के बाद अब जाके आप वापस से आप नीचे उतर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अब वापस से रास्ता सही हो जाता है, आगे जिस कदर खराब था उससे काफी बेटर है। अब है अपनों को चलना है वहां, तो उसके लिए अपनों को इस डोली के ऊपर चढ़ना होगा। यहां से गाइस आप चढ़ेंगे और आप इस तरफ उतर सकते हैं, बट गाइस बी केयरफुली क्योंकि ये बिल्कुल ढलान वाली जगह है, काफी हाइट कितनी है उसको मेजरमेंट करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पत्थर को फेंकूँगा गाइस और कितनी देर में नीचे जाता है वो इसको आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस मैं फेंकने जा रहा हूँ 1 2 3, गाइस अब जाके आवाज़ आई है तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि गाइस हाइट कितनी ज़्यादा है। यार मैं हूँ सचिन और गाइज आप सभी का प्यारा दोस्त, और मैं अब निकल चुका हूँ उदयपुर के सबसे एडवेंचर भरे रस्तों के लिए, एडवेंचर भरी जगहों के लिए। गाइज मैं आपके लिए एडवेंचर भरी जगह लाता रहूँगा, मुझे केवल आपसे गाइज चाहिए सपोर्ट कि ये वीडियो लोग इस वीडियो को लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि मुझे भी आप लोगों जितना वीडियो को शेयर करेंगे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी पावर मिलेगी कि यार गाइज मेरी वीडियो भी देखी जाती है। तो गाइस प्लीज़ सिर्फ तुम्हारा भाई तुमसे थोड़ा सा सपोर्ट मांगता है कि गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह एक्सप्लोर करवा सकूं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, जाते हुए का दिखाते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। अटक गया, उतर नहीं पा रहा है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
उतरते हैं वापस और निकलते हैं घर की ओर। काफ़ी देर बैठे गए, 1 घंटा भर बैठे, कुछ बातें वगैरह की, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया आप लोगों के लिए। आई होप गाइज आपको जगह काफ़ी अच्छी लगी होगी, और गाइज जितनी जगह अच्छी लगी है उतना ही प्यार वीडियो पर भी बरसा देना। गाइज मिलता हूँ मैं नीचे जाके। तो गाइज ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और गाइज ये लगी हुई है जालियाँ। तो इस तरफ से अपनों को होकर उधर जाना है। दोबारा से वापस नीचे आ चुके हैं, हाथ धो यू कर ले मैं। गाइस ये रहा टनल, और अभी अपन कहाँ थे वो आपको पता ही है। गाइस निकलते हैं घर की ओर, एक जगह रुक के पियेंगे काफ़ी ब्यूटीफुल सी चाय, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बताऊँगा मैं वो भी आपको कहाँ।